हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आवर रेसिपीज़। आज हम देखेंगे मलाई में से घी कैसे बनता है। तो उसके लिए हम जो रोज़ दूध गर्म करते हैं उसको फ्रिज में रखने के बाद उससे जो मलाई जम जाती है वो हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में। और आज ये बर्तन फुल हो गया है तो आज इसमें से घी बनेगा। और ये जो पानी है वो एकदम ठंडा है, फ्रिज में रखा हुआ, एकदम चिल्ड कर देना है जिसकी वजह से वो मक्खन अच्छे से अलग हो जाता है। अब हम शुरू करेंगे घी बनाने का प्रोसेस, जिसके लिए पहले हम डालेंगे थोड़ा सा पानी मलाई डालने से पहले, जिसकी वजह से वो चिपकेगी नहीं। अब डालेंगे मलाई, जो थोड़ी डालेंगे, पूरी फुल नहीं करना है मिक्सर जार। अब डाल लेंगे ठंडा पानी, उसको आधा ही रखेंगे तो मिक्स होते टाइम जब मिक्सर पे चढ़ाएंगे तो वो पूरा बाहर ना आए। अब हमने लगा दिया है मिक्सर जार को मिक्सर के ऊपर, और आपको हम टाइम नहीं बता सकते एग्जैक्टली, पर जब तक अंदाजे से आप को लगे कि मक्खन अब बाहर आ गया है तब बंद करना है। अगर ना लगे तो खोल के देख सकते एक दो बार। ये मिक्सर में मिक्स करने के बाद मक्खन आप देख सकते हैं ऊपर आ गया है। और अब हम इसे एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे। ये जो ऊपर उठ के आया है वो सब मक्खन है, और नीचे जो लिक्विड फॉर्म है वो छाछ होती है, बटर मिल्क। और अब ये देखिए हमारा मक्खन निकल के तैयार हो गया है, जिस तरह से आपको पहली बार हमने दिखाया था प्रोसेस। मिक्सर जार में डाल के मिक्स किया था हमने मलाई को ठंडे पानी के साथ, वैसे ही सारी मलाई हमने मिक्स करके ये पूरा मक्खन निकाल लिया है। और नीचे जो साइड में दिख रहा है वो छाछ है हमारी, बटर मिल्क। और अब ये मक्खन हम निकालेंगे एक दूसरे बर्तन में। ये हम एक साथ नहीं निकाल पाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके निकालेंगे, बहुत सॉफ्ट रहता है। और ये हाथ से ही निकालना चाहिए, क्योंकि हाथ में ना ये आप पकड़ पाएंगे, चम्मच या किसी और चीज़ से पकड़ने का ट्राई करेंगे तो ये बहुत सॉफ्ट और स्लिपरी होता है, वो फिसल के गिर जाएगा। और हमें इसका पानी, ये छाछ भी नहीं लेनी है उसके साथ, सिर्फ पूरा पानी निकलने के बाद ही साइड में लेना है। ये देखिए हमने ये पानी मतलब हाथ से निकाली थी ये मक्खन, फिर भी इसमें थोड़ा सा पानी रह ही जाता है हर बार, ये ऐसे ही होता है। तो आप थोड़ा सा ऐसे मक्खन को साइड साइड में ले, और नीचे जो पानी बचता है छाछ वो जिसमें ये पड़ी हुई है उसमें डाल ले। और अब पानी सारा निकाल लेने के बाद आप देख सकते हैं हमारा शुद्ध मक्खन एकदम प्योर वाइट वाइट। और ये छाछ जो हमने अलग निकाली थी वो उसको भी हम फेंकेंगे नहीं, वो भी हम यूज़ कर लेंगे, जैसे कि ये पीने में भी अच्छी लगती है, उसमें धनिया मिर्ची फिर कड़ी पत्ते इन सब का पेस्ट डाल के भी पियेंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। ऐसी नहीं पसंद तो उसमें जीरा और नमक डाल के पी सकते हैं, लस्सी भी बना सकते हैं, और कुछ लोग इसे सब्जियों में भी डाल के खट्टी सब्जियाँ बनाते हैं तो वैसे भी यूज़ करते हैं। इसे फेंकना नहीं होता, बहुत ज़्यादा हेल्दी रहती है। ये जो मक्खन हमने निकाला था वो हमने घी बनाने के लिए गैस पे रख दिया है, और ये धीरे धीरे लिक्विड जैसा हो जाएगा वाइट वाइट, और उसके बाद वो येलो हो जाएगा, बिल्कुल घी जैसा दिखेगा पूरा पिघल जाने के बाद। इसे हमें हिलाते रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप हिलाना बंद कर देंगे तो ये उबल के बाहर आ जाएगा पूरा। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें अब उबाल आ गया है, और ये थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का येलो भी हो गया है। ये हम हिला रहे हैं बार बार उसको, तो और साइड से भी आप लेते रहिए,
नहीं तो साइड वाला जो चिपका रहेगा ना बर्तन में वो जल जाएगा। इसे हमने फुल फ्लेम पे चलाया है तो जल्दी से इसका पानी उड़ जाए और घी बन जाए। आप चाहे तो धीमी आंच पे भी चढ़ा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये वाइट कलर का जो था वो मक्खन अब पिघल के पूरा येलो हो गया, बिल्कुल वाइट नहीं रहा। और जब ये घी बन के तैयार हो जाएगा तो ये पूरा ट्रांसपेरेंट येलो हो जाएगा। और ये हमारा घी बनने के लिए अब तैयार हो चुका है। इसमें बहुत ही कम पानी बचा है और ये येलो येलो भी हो गया है। अब ये पूरा येलो हो चुका है, हमारा घी बन के रेडी है। और इसमें जो ये वाइट वाइट दिख रहा है वो उसका जो अंदर पानी रह गया होता है वो ऐसे वाइट हो जाता है, जो आपको छान लेना होता है। और ये बन के रेडी हो गया घी। ये जो वाइट वाइट बचा है वो हम गैस बंद करने के बाद उसको यहीं पे रखेंगे ऊपर के ऊपर ही 15-20 मिनट के लिए, जिससे वो ये जो वाइट वाइट रहा है दाने वो नीचे जम जाएंगे और ऊपर जो हमारा घी रह जाएगा वो हम एक बर्तन में छान लेंगे। और अब हम इसके ठंडा होने का वेट करेंगे। अब जैसे मैंने आपको बोला था कि हम थोड़ी देर ठंडा करने रखेंगे, उसके बाद वो जो वाइट कलर के वो पार्टिकल्स बचेंगे वो नीचे जम जाएंगे, तो वो जम गए और ऊपर हमारा घी रह गया है। तो अब हम उसे छान लेंगे एक अच्छे से साफ सुथरे बर्तन में। और ये फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि फ्रिज में आप देखते हैं कि हम अगर सब्ज़ी भी निकालते हैं उसमें से तो उसमें पानी जम गया होता है, तो घी में भी पानी जम जाएगा। तो फ्रिज में ज़रा भी नहीं रखना है, ये आपको याद रखना होगा। जैसे तेल बाहर ख़राब नहीं होता वैसे घी भी नहीं होता। और ये देखिए हमारा ट्रांसपेरेंट वाला घी, और नीचे जो जमा हुआ है वो हमने पहले से भरा हुआ ही था तो इसलिए वो जमा हुआ है, बाकी अभी जो बना है वो ऊपर लिक्विड में है वही है। इसे एक बंद वेसल में बंद करना है जिसकी वजह से इसमें कुछ गिरे नहीं कचरा और ये पूरा साफ़ रहे।